गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड इंग्लिश टीचर चैप्टर 7 गुड नेवर्स अच्छे पड़ोसी। एक स्टोरी एक अच्छे पड़ोसी के ऊपर दी गई है, सो रीड इट। राहुल, हेलो नितिन। राहुल का दोस्त है नितिन। नितिन, हेलो राहुल, आई एम वेरी सरप्राइज्ड। वो बोलता है, हेलो, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ राहुल। ओ सो यू लिव इन गुप्ता एनक्लेव्स इन इज़ अ वेरी नाइस प्लेस। कि तुम राहुल तुम कहाँ रहते हो, कि तुम गुप्ता एनक्लेव्स में रहते हो, वो एक बहुत सुंदर जगह है। नितिन, येस इट इज़ वेरी नाइस। हाँ ये बहुत सुंदर है, अच्छी है। राहुल, इफ़ यू डोंट माइंड विल यू प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ एन एनक्लेव। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछूं कि ये जो एनक्लेव है ये क्या है। नितिन, एन एनक्लेव इज़ अ ग्रुप ऑफ हाउसेज सराउंडेड बाय अ वॉल। एक एनक्लेव दीवारों से घिरी हुई घरों को कहते हैं, यानी कि जो बहुत सारे घर होते हैं दीवारों से घिरे हुए होते हैं पास पास में, उन्हें एनक्लेव्स कहते हैं। इट इज़ एन इनक्लोज्ड कॉलोनी विद गेट्स। ये एक ऐसी कॉलोनी होती है जो बहुत सारे गेट्स होते हैं और पास पास घर बने होते हैं। नेक्स्ट, राहुल, डू यू हैव प्लेग्राउंड एंड शॉप्स इन योर एनक्लेव। क्या तुम्हारे यहाँ खेल का मैदान, दुकान और है क्या एनक्लेव्स में। नितिन, येस वी हैव अ बिग प्लेग्राउंड सम शॉप्स एंड अ पीसीओ। नितिन बोलता है, येस हाँ हमारे यहाँ एक खेल का बड़ा मैदान है, कुछ दुकानें हैं और पीसीओ भी है। आई प्ले विथ माई ब्रदर एंड फ्रेंड्स, जिसमें मैं अपने ब्रदर भाई के साथ और अपने दोस्तों के साथ मैं खेलता हूँ। माई फ्रेंड आल्सो लिव इन दिस एनक्लेव। मेरे जो दोस्त हैं वो हमेशा मेरे साथ एनक्लेव्स में ही रहते हैं। वन माई फ्रेंड तपन इज माई नेक्स्ट डोर नेबर। एक जो मेरा फ्रेंड है दोस्त है जिसका नाम क्या है, तपन, इज़ माई नेक्स्ट डोर, यानी कि मेरे घर के बगल से जो दूसरा दरवाज़ा है वहाँ मेरा पड़ोसी है, वो मेरे पास में रहता है। हिज फादर इज़ अ डॉक्टर इन आर्मी। इसके जो पिताजी हैं वो आर्मी के अंदर डॉक्टर हैं। ही इज़ वेरी गुड नेबर, ही इज़ वेरी हेल्पफुल। वह एक अच्छे पड़ोसी हैं और हमेशा मददगार रहते हैं। नितिन, वेयर डू यू लिव राहुल। नितिन ने राहुल से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। राहुल, आई लिव 8261 शिवाजी कॉलोनी इन द कैंटोनमेंट। वी हैव अ हग ओपन ग्राउंड विथ मैनी ग्रीन ट्रीज एंड अ स्मॉल मार्केट नियर। आल्सो हैव अ मिलिट्री हॉस्पिटल एंड अ स्कूल इन अवर नेवर्स। राहुल ने बताया, कि मैं 261 शिवाजी कॉलोनी की छावनी में रहता हूँ। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा खुला मैदान है, बहुत सारे ग्रीन ट्रीज हैं और एक छोटा बाजार भी है। हमारे यहाँ पास में हॉस्पिटल है और पड़ोस में एक स्कूल भी है। नितिन, वाओ इट इज़ वेरी नाइस राहुल। वाओ डू यू प्लीज़ टेल मी अबाउट यू नेबर्स। ये तो बहुत अच्छा है राहुल, तुम मुझे अपने पास में रहने वाले पड़ोसी के बारे में बताओ। राहुल, एडवोकेट शुभोध एसडीओ मिस्टर शर्मा एंड मेजर विकास लिव
नियर हाउस, मेरे पास में एडवोकेट सुबोध, SDO मिस्टर शर्मा एंड मेजर विकास रहते हैं। नील इज़ माई गुड फ्रेंड, नील जो है वो मेरा एक अच्छा दोस्त है। ही इज़ मिस्टर शर्मा सन, वह मिस्टर शर्मा का बेटा है। हिज ग्रैंड पेरेंट्स आल्सो लिव विथ हिम, उनके जो दादा दादी हैं वो भी उनके साथ में रहते हैं। ही टोल्ड अस वेरी नाइस स्टोरीज, वह हमें एक बहुत अच्छी स्टोरी कहानी सुनाते हैं। आई इन्जॉय टॉकिंग टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स, मुझे उसके दादा दादी से बात करके बहुत मज़ा आता है। नितिन डू यू प्ले विथ ऑल द फोर फ्रेंड्स, क्या तुम अपने चारों दोस्तों के साथ में खेलते हो। राहुल येस दे आर वेरी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल, ऑल ऑफ अस आर लाइक अ बिग फैमिली। हाँ मुझे मेरे चारों दोस्तों के साथ खेलता हूँ, वो बहुत हेल्पफुल हैं, मददगार हैं और हम सभी एक बड़ी फैमिली की तरह रहते हैं। नितिन वी आर वेरी लकी वी हैव सच गुड नेबर्स, नितिन बोलता है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे पड़ोसी मिले हैं। राहुल यस यू आर राइट, हाँ तुम सही बोल रहे हो, वी आर लकी, हम भाग्यशाली हैं। गुड नेबर्स आर अ ब्लेसिंग, यानी कि हमें अच्छे पड़ोसी मिले हैं जो एक आशीर्वाद से कम नहीं हैं। तो ये हमारी स्टोरी है छोटी सी, इसमें दो फ्रेंड आपस में टॉकिंग बातें करते हैं, इसका एक का नाम राहुल है एंड एक का नितिन है। तो ये पड़ोसियों के बारे में बताते हैं, तो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, इसे आप रीड करेंगे वीडियो देखकर। ओके okay?